मंडला जिले के मोतीनाला थाना क्षेत्र में पुलिस व नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें एक महिला व एक पुरुष नक्सली पुलिस ने मार गिराया। इनसे पुलिस ने हथियार भी बरामद किए हैं। 28 लाख के इनामी नक्सलियों के मारे जाने पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने मंडला पुलिस को बधाई दी है। पुलिस नक्सली मुठभेड़ में नक्सलियों के मारे जाने पर गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने मंडला पुलिस को बधाई दी है। पुलिस मुठभेड़ में मारे गए दोनों नक्सली कान्हा भोरम देव बोडला कमेटी के सदस्य बताए गए हैं। देर रात ये मुठभेड़ हुई है। जिला व हाफ फोर्स के जवान इस ऑपरेशन में शामिल हुए थे। नक्सलियों से 3 हथियार बरामद किए गए हैं। SLR 303 315 बोर का हथियार। अभी भी भारी पुलिस बल मौके पर तैनात है और कार्रवाई को अंजाम दे रहा है। मंडला जिले में लंबे समय से नक्सली अपनी उपस्थिति जंगलों में देते रहे हैं। यहाँ छोटी वारदातों को अंजाम देने के बाद ये नक्सली भाग जाते थे। जिले में पुलिस और नक्सलियों की मुठभेड़ पहले भी कई बार हुई है, लेकिन पहली बार मुठभेड़ में इन्हें मार गिराने में बड़ी सफलता मिली है। मैंने अभी फोन से मंडला के SP साहब को और पुलिस को भी अलग अलग बधाई दी है। आज मंडला में मैन उर्फ टुल्ला उइके निवासी सुकमा दक्षिण बस्तर, जिस पर 14 लाख का इनाम था, प्रमिला सुकमा दक्षिण बस्तर इनाम 14 लाख रुपए, इनसे एक SLR 303 बोर एक और 315 बोर की एक, इसके साथ साथ अन्य नक्सली सामग्री भी बरामद हुई है। दोनों को एनकाउंटर में हमारी पुलिस ने धराशायी किया है। आप भी देख रहे होंगे लगातार के मध्य प्रदेश की पुलिस और हमारे चल रहे अभियान एक के बाद एक सफल होते जा रहे हैं। चाहे वो माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई हो, चाहे वो ड्रग माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई हो, चाहे भू माफिया के खिलाफ हो, इन सब के खिलाफ लगातार कार्रवाई की। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।